देखो देखो मेघ नगर ही तो भेजना पड़ेगा ना, जाना तो परमिशन वहीं की मिलेगी। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। मैं पुराना बड़गांव निवासी हूं और मैं अल्फला चैरिटी के साथ काम करता हूं। आज जो ये ईद का मौका पास में आ रहा है, इसको देखते हुए हमारे अल्फला चैरिटी ने ये डिसाइड किया है कि जो मजदूर वर्ग है, गरीब है, जो असहाय लोग हैं, जिनका ईद पे कोई खुशियां नहीं मना पाते किसी मजबूरी के कारण, उनके लिए हमारे ये अल्फला चैरिटी ने देखते हुए ये डिसाइड किया है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्हें कुछ गिफ्ट्स, कुछ कपड़े, जूते और जो उनके ईद पे काम आने वाली सामग्री जो होती है वो सब वितरित की जाएगी। इस सामग्री के अंदर कुछ कैश भी है, शक्कर है, लेडीज़ के कपड़े हैं, लेडीज़ की चप्पल है, बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों की चप्पल है, और जो ईद के दिन काम में आने वाली जो भी सामान होते हैं, दूध पाउडर और सिवैयाँ वगैरह, ये सब दी जाएगी ताकि उन्हें गरीब वर्ग को ये नहीं लगे कि हम ये ईद का जो मौका है ये हमारे लिए नहीं है। तो हमने ये चाहा है कि जो भी ये गरीब वर्ग है ये खुशियाँ बनाए, और मेरी लोगों से ये अपील है कि जो भी हमारे गरीब मजदूर भाई है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उनके सामने इस मौके पर नए कपड़े ना पहने, ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि हम अभी ये कपड़े नहीं पहन सकते या उन्हें मायूसी महसूस ना हो। तो हमारी गुजारिश यही है, अपने आस पड़ोस में ये देखें और लोगों की थोड़ी सी फ़ायदा पहुँचा दे। फ़ायदा पहुँचाने से हम कोई गरीब नहीं हो जाएंगे। तो बस गुजारिश करता हूँ कि अपने आस पड़ोस वालों का ध्यान रखें और इसमें कोई हिंदू मुसलमान ना करे। मेरा नाम आशिक खान है। ये चैरिटी कब से काम कर रही है और कहाँ का काम कर रही है? ये चैरिटी तो 2014 से काम कर रही है, लेकिन ख़ास तौर पर 2000 ये जो हमारा लॉकडाउन लगा है तो सिर्फ ये राशन फूड और ये सिर्फ गरीबों का ध्यान रखने में ही स्पेशली काम कर रही है। हमारे गांव के अंदर 50 फूड पैकेट वितरण करने का कार्यक्रम रखा, उसके अंदर गरीब, यतीम, एसआई और जो बेरोज़गार है, लॉकडाउन COVID-19 के अंदर जो घर पे बैठे हैं उनकी काफ़ी स्थिति ख़राब थी। तो हम अल्फला चैरिटी ने हमारे को यहाँ पे 50 फूड पैकेट जो वितरण किए उनको आज वितरण किए जाएंगे। और हमने अल्फला के जो हम मेंबर है, जो हमने करीबन आज 2000 फूड पैकेट वितरण कर दिए, और इंशाल्लाह हमारा आगे भी प्रोग्राम रहेगा। गांव-गांव के अंदर हम लोगों की जो वास्तु की स्थिति में गरीब है उनकी सेवा कर रहे हैं, और हमारा ये सौभाग्य है कि हम उन गरीब बेसहारा लोगों को आज उनकी हम सहायता कर रहे हैं, और उनकी वजह से आज अल्फला चैरिटी की वजह से किसी घर के अंदर अगर आज चूल्हा जलता है, बड़ी खुशी की बात है। और अल्फला चैरिटी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस मुसीबत की घड़ी के अंदर जो हमारा हाथ पकड़ा और हमारा जरिया बनाकर किसी गरीब आदमी की सेवा करे, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और मैं बार बार अल्फला चैरिटी को धन्यवाद देता हूँ, इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी मुसीबत में, हमारे ग्रामीण इलाकों में जो लोग जिनको रोज़गार नहीं है, काफ़ी हद तक वो घर पे बैठे हैं, बाल बच्चे हैं, उनकी स्थिति बार बार ख़राब हो रही है, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारे सेदरिया के अंदर आज जो 50 फुट विकेट वितरण किए उनको हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सरकार की और उन्हीं के अनुरूप हम फूड पैकेट वितरण कर रहे हैं। और पूरा पूरा इसमें हमारे जो अल्फला चैरिटी के जो मेंबर है, सभी मेंबरों का भी शुक्रगुजार हूँ, और मेरे साथी जो न्यूज़ वाले हैं और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हमारे साथी जो आज हमारी इस मुहिम में शामिल हुए, मैं इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी छोटी सी एक संस्था है उनको आपने एक बड़े लेवल पर या मीडिया लेवल पे उजागर किया, और लोगों की जो खिदमत करने का जज्बा अल्फला चैरिटी ने दिखाया वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मेरा नाम रेशम खान, ग्राम पंचायत सेदरिया से, मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, वार्ड मेंबर की हैसियत रखता हूँ, और लोगों की जो सेवा करने का हमें मौका मिला, हमारे भाई मोंटू भाई, आशिक भाई और मेरी टीम अशरफ भाई, मशहूद भाई और जो हमारी टीम के मेंबर है, 5-7-8 जन हम मिलके जो काम कर रहे हैं, हमारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बिना समय देके रात बरात जो भी मेहनत कर रहे, गरीबों तक जो राशन पहुँचा रहे, उनके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।